हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए साइंस के एक सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें सबसे पहले मैं आपके साथ जीव विज्ञान के 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहा हूं, साथ में उनके बेसिक कंसेप्ट भी आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। इसके बाद मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर भी आपके लिए लेकर आऊँगा। ये सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें और हमारे इस फ्री ऑनलाइन कोर्स में शामिल हो जाएँ। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी साइंस का सेक्शन जो है पूछा जाता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये रहेगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैंने बहुत सारे क्वालिटी वीडियोस आपके लिए बनाए हुए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर चेक कर लें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट उससे हो। तो चलिए, आज के हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जो मैंने सेकंड वीडियो लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं इसमें देने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे मिले, सभी ने सही आंसर दिए हैं, राइट। तो इस बार मैं किसी कमेंट अब इसमें नहीं ले रहा हूँ, सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए, मैंने कमेंट करके उनको ऑलरेडी बता दिया है, राइट। तो किसी कमेंट यदि गलत होते हैं, आंसर गलत होते हैं, तो मैं वहाँ पर करेक्शन कर दिया करूँगा। तो आप कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको जो है सारे आंसर याद हो जाएँ। तो इसमें जो है, इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज़ द मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो जो मिशन इंद्रधनुष है, इसकी शुरुआत की गई है हेल्थ, ये एक हेल्थ मिशन है, इसकी शुरुआत की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसका जो उद्घाटन किया गया था, शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 25 दिसंबर 2014 को जेपी नड्डा के द्वारा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, राइट, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो प्रोग्राम है, ये 2 साल तक के बच्चों के लिए चलाया गया है। और जैसा कि इसमें लिखा है, मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में जैसा हमें पता है कि इसमें 7 तरह के रंग होते हैं, ठीक है, 7 रंग होते हैं, वैसे इसमें 7 तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए टीके लगाए जाते हैं। तो ये एक टीकाकरण प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि 2 साल तक के बच्चों के लिए चलाया गया। इसमें 7 बीमारियाँ जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, यदि कभी एग्जाम में पूछ ली गई तो आपको याद रहना चाहिए, राइट। तो इसमें पहली बीमारी है डिप्थीरिया, हूपिंग कफ, जिसको बलगम भी बोला जाता है, टिटनेस, पोलियो एलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी रोग, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी, ये 7 तरह की जो बीमारियां हैं, इनके लिए ये मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, जिसमें टीकाकरण किया जाता है बच्चों का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत है? वंशानुगत रोग का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग को ट्रांसफर हो जाए, जैसे कि मान लो किसी के दादा को जो है रोग हुआ, फिर उनके पिताजी को हुआ, उसको हुआ, उनके बच्चों को हुआ, इस तरीके से, राइट। तो एक वंशानुगत रोग होता है जो कि फैलता जाता है, राइट। तो मायोपिया, हीमोफीलिया, एनीमिया, ल्यूकीमिया, में से कौन सा सही आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है, और ऐसा कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया को है जो है वो सबसे पहले ये वाला रोग हुआ था, उनसे ही ये बाकी जगह जो है वो फैला है। और इस रोग को जो फैलाने का काम करती हैं, या इस रोग का जो वाहक है, वो महिलाओं को कहा जाता है, ठीक है ना, महिलाओं से ये रोग फैलता है। साथ में यदि आपको कभी चोट लग जाती है, ठीक है, तो हमारा जो ब्लड होता है वो 2 से 5 मिनट के अंदर जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है ना, बहना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन यदि आपको हीमोफीलिया रोग है, तो आपका ब्लड जो है वो लगातार जो है बहता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी डेंजर बीमारी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। यूनिवर्सल डोनर्स आर पीपल विद द ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ओ। इसके लिए जो है मैंने ये वाली टेबल आपको वीडियो लेक्चर 1 में अच्छे से समझाई हुई थी, तो जिसने वो उस वीडियो को नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें मैं अभी जो है पूरा नहीं समझाऊंगा, सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि ब्लड ग्रुप ओ वाले जो है वो किसी को ब्लड क्यों दे सकते हैं, राइट। तो ये ब्लड इसलिए दे सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके मैंने आपको डिटेल वीडियो लेक्चर 1 में समझाया था कि कैसे जो है एंटीबॉडी और एंटीजन यदि सेम हुए तो वो जो है रक्त जो है वो ख़राब हो जाता है, राइट, तो इससे मृत्यु तक हो जाती है लोगों की। तो इसमें जो है एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं, और एंटीजन एक भी नहीं पाया जाता, इसलिए किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ब्लड ग्रुप ए बी वाले जो है वो किसी से ब्लड इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है, ठीक है ना, कौन से विटामिन में गाजर बहुत ज़्यादा जो है पाया जाता है, ठीक हो, कौन से विटामिन में जो कौन सी मतलब गाजर में कौन सा विटामिन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो विटामिन ए में जो है
विटामिन ए, गाजर में जो है विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, राइट। और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो है रेटिनॉल, ठीक है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इससे रतौंधी बीमारी होती है। तो ये दोनों चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, और रतौंधी नामक रोग जो है इससे होता है, राइट। और गाजर में ये विटामिन ए भारी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथ जो है वो कहाँ पर उपस्थित होती है हमारे शरीर में? मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छा बढ़िया डायग्राम से इसको समझाया था कि कौन सी ग्लैंड जो है वो कहाँ पर होती है। तो पीनियल ग्रंथ जो है वो होती है हमारे मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में ही पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है, या मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, वो भी हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और यदि हम किडनी की बात करें तो किडनी में जो है, दोनों किडनी में ऊपर साइड में जो है एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है ना, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। तो इस तरीके से दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस जो है वो किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा केंद्र बोला जाता है। और इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है, तो वो ये बन सकता है कि ये जो है जो अपनी पावर है, एनर्जी है, उसको किस फॉर्म में जो है स्टोर करके रखता है? तो ये एटीपी के फॉर्म में जो है उसको अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एटीपी का फॉर्म होता है एड्रेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एड्रेनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो एटीपी के फॉर्म में इसको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? बहुत ज़्यादा स्पीड से कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा स्पीड से बनता है, राइट। आपको मुझे कमेंट करके जल्दी से आंसर देना है कि विटामिन डी जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ के आप आंसर दीजिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाला रोग, ठीक है। आप कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि उससे जो है मैं उसको करेक्ट भी कर दूंगा यदि आप आंसर गलत देते हैं तो, और यदि आप आंसर सही देते हैं तो आपको वो आंसर जो हमेशा याद रहेगा, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग लगभग कितने समय का होता है? जो हमारे यहाँ हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल जो है पाई जाती हैं, आरबीसी जो पाई जाती हैं, उनका जीवन काल कितने समय तक जो है वो जीवित रहती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 100 से 120 साल तक जो है वो जीवित रहती हैं, राइट। और यदि हम एक्स्ट्रा इसमें जानना चाहें तो आरबीसीज का जो निर्माण होता है, कहाँ पर आरबीसीज बनती है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो ये बनती है बोन मैरो में, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं, राइट। ये बोन मैरो में बनती हैं, और लीवर और स्प्लीन, ठीक है, लीवर और स्प्लीन में ये जाकर जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। लीवर मीन्स यकृत, और स्प्लीन जो है प्लीहा। यकृत और प्लीहा में जो है इसको इसको कब्रगाह बोला जाता है आरबीसीज का, और बोन मैरो अस्थि मज्जा में ये बनती हैं, ठीक है ना, अस्थि मज्जा में बनती हैं, और यकृत और प्लीहा में जाकर ये खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो जिसका जो हाथ पैर जो है कभी फ्रैक्चर्ड हुए होंगे, जो हड्डियाँ टूट गई होंगी, तो उसको ये अच्छे से पता होगा कि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बांधा जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो है वो हड्डियों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है? निकट दृष्टि रोग जो है वो कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है हमारी आँख में, ठीक है ना, आँख में होने वाला ये रोग है, ठीक है। इसको बोला जाता है मायोपिया, कई बार ऑप्शन में ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि निकट दृष्टि दोष जो है वो क्या उसका मतलब क्या होता है, तो ये मायोपिया होता है, ठीक है। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको बोलाता है हाइपर मायोपिया, या हाइपर मेट्रोपिया भी उसको बोला जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि रोग दोनों उसको बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है, जिसकी आँख में निकट दृष्टि दोष होता है, उसको पास की चीज़ तो है जो है वो क्लियर दिखाई देगी, लेकिन दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। और जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसको पास की चीज़ धुंधली दिखाई देती है, और दूर की चीज़ जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है, राइट। तो निकट दृष्टि दोष वाले को जो है वो पास की चीज़ क्लियर दिखाई देगी, और दूर की चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देगी, और उसको अवतल लेंस का चश्मा लगता है, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष वाले को उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम जो है सिल्क इसको बोला जाता है, उसका उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, या रेशम कीट के लार्वा से, या स्वयं जो है
उसके खुद के कीट से ये उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, रेशम जो रेशम कीट के लार्वा से रेशम का उत्पादन होता है, ठीक है, लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म। साथ में यदि हमें इसमें और भी एक और चीज़ देखें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि रेशम रेशम कीट का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो रेशम कीट के अध्ययन करने को बोला जाता है सेरीकल्चर, राइट, सेरीकल्चर बोला जाता है रेशम कीट के अध्ययन करने को, सेरीकल्चर। ठीक है, आपको मुझे एक जल्दी से कमेंट करके बताना है कि पोमोलॉजी जो होती है, राइट, पोमोलॉजी वो किस चीज़ के अध्ययन को बोला जाता है, ठीक है, पोमोलॉजी किस चीज़ के अध्ययन को बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है, रेशम के कीट के अध्ययन को सेरीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट का रंग बदलता है तो वो किस चीज़ की उपस्थिति के कारण ये बदलता है, तो ये बदलता है वर्ण की लवक के कारण, ठीक है, वर्ण की लवक जो होता है उसके कारण ये रंग बदलता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमेटोफोर, ठीक है, क्रोमेटोफोर के कारण ये रंग बदलता है गिरगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल का दौरा किस कारण से होता है, हृदय पर जीवाणु का हमला होने से, हृदय गति के रुक जाने से, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होने से, या अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आने से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, ठीक है ना, ब्लड जो है वो आना जो है वो कम हो जाता है, इसके कारण जो है दिल का दौरा पड़ता है। इसमें जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा ये किया गया था, तो ये किया गया था विट्टेकर के द्वारा, राइट, विट्टेकर के द्वारा ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था। और ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने जो है जो हमारे जंतु जो मतलब जो पूरा किंगडम है उसको पांच भागों में डिवाइड किया था, जिसका पहला था एनिमेलिया, दूसरा प्लांटी, तीसरा प्रोटिस्टा, फोर्थ है फंगाई, और पांचवा है मोनेरा, ठीक है, इसको फंगी बोलते हैं और फंजाई भी बोला जाता है। तो एनिमिलिया जिसमें जीव जंतु को रखा गया था, प्लांटे जिसमें पेड़ पौधों को रखा गया था, ठीक है, ऐसे ही प्रोटिस्टा और इसमें कवक वगैरह, राइट, फंगी और इसमें मोनेरा, तो ये पांच पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था, इसको डिवाइड किया था विट्टेकर ने, जिसको बोला जाता है पाँच जगत वर्गीकरण या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध से दही के निर्माण में सहायक होता है, तो दूध से दही जो है वो कौन सा जीव बनाता है, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध से दही बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है, ठीक है, निस्पंदन मीन्स होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी जो है वो कौन सी है, तो इसको बोला जाता है नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है, और किडनी में लगभग 10 लाख जो है वो छोटे छोटे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, 10 लाख इनकी संख्या कम से कम 10 लाख होती है, राइट, और खून को जो है वो यहीं पर फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर होने के बाद उसमें जो खराब चीज़ें होती हैं, खराब पदार्थ होते हैं, उसको जो है मूत्र के द्वारा जो है वो बाहर शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, तो फिल्ट्रेशन का काम करता है हमारे शरीर में नेफ्रॉन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, तो मलेरिया जो है उसको फैलाने का काम करती है मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है ना, मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है वो इसको फैलाने का काम करती है, और मलेरिया जो है वो एक संक्रामक रोग है, राइट, संक्रामक रोग है। और यदि इसके बारे में और भी यदि हम चीज़ें देखें तो ये मलेरिया जो है वो हमारी रेड ब्लड सेल जो होती हैं RBCs होती हैं उसमें मिल जाती हैं और हमारे शरीर में जो है वो संक्रमित कर देती हैं और हमको मलेरिया रोग हो जाता है, राइट, तो ये एनोफिलीज मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में जो है प्रवेश कराया जाता है या हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला जो है एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करता है कौन सा जीव, तो वो करता है लाइकेन, ठीक है, लाइकेन जो है पेड़ पौधों में जो है वहाँ पर रहता है, तो वो उसके द्वारा जो है वायु प्रदूषण को मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्णपाती वृक्ष, ठीक है, डेसिडुअस ट्रीज जो हैं वो कौन से होते हैं, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराते हैं, अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, अपने खाद्य का संश्लेषण करते हैं, या अपने खाद्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, अपनी पत्तियां जो हैं ये हर वर्ष गिराते हैं, राइट, इनकी पत्तियां जो हैं साल में एक बार जो है वो पूरी गिर जाती हैं, उनको बोला जाता है पर्णपाती वन या पर्णपाती वृक्ष जो है बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर इज एन इकोसिस्टम,
तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना खाना जो है स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, उनको दूसरे प्राणी जो है वो खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, प्लांट्स या पादप, ये खुद का भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा खुद ही अपना भोजन बनाते हैं और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हमारे इकोसिस्टम के कहलाते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो जुड़ जाइए। इसकी लिंक जो है मैंने यहाँ पर दी हुई है t.me/allindiaguruji, राइट। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है और आप जो है मुझे कमेंट करके नहीं बता पा रहे हैं तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अब ईमेल एड्रेस भी दिया, आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सअप का नंबर चाहिए तो आप मुझसे जो है डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप वहाँ से ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।